तो हम भगवान की इमेज पर, भगवान की मूर्ति पर हम मिल्क ऑफर करते हैं, तो क्या ये सही है जब इतने सारे भगवान के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा पीने के लिए? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। होता है क्या कि हमने कभी मूवीज में ऐसे देखा हुआ है कि जब दूध चढ़ाया गया फिर वो नाली में चला गया। हमें समझना है कि गलत मैनेजमेंट है किसी मंदिर का या गलत पिक्चराइजेशन है। एक्चुअली जब भगवान को हम दूध से नहलाते हैं, उसको दूध को इकट्ठा किया जाता है एज चरणामृत। सो इट इज एक्चुअली चरणामृत, सो इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी एट ऑल, बिकॉज सब उसको पा रहे हैं। साथ ही पैसा हम कई जगह वेस्ट करते हैं लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते। जैसे हमने कितना पैसा लोग उड़ाते हैं शैंपेन में, लेकिन पार्टीज में कोई नहीं कहता सर आप ये 10,000 रुपये की शैंपेन उड़ा रहे हैं, बाहर गरीब लोग बैठे हैं उनको आप कुछ खिला दीजिए। लोग PVR मूवी देखने के लिए जाते हैं, बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं तो कोई नहीं सोचता कि हम PVR 500 रुपये की पर बंदा टिकट खर्च करेंगे, पूरा फैमिली के 2,500 रुपये खर्च होंगे, साथ पॉपकॉर्न अलग खाएंगे तो बाहर गरीब को खिला दें, तब कोई नहीं सोचता। लेकिन हाँ, भगवान के ऊपर अगर पानी मिला हुआ दूध अगर कोई चढ़ाता भी अगर, तो जी बात ये आती है कि भला यहाँ वेस्टेज हुआ है, तो ये वेस्टेज नहीं होती।